अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शहबाज अली और आप देख रहे हैं शहबाज इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब मीटर का कनेक्शन करना देखेंगे कि कैसे इसको कनेक्शन किया जाता है, जो हम अक्सर औकात शॉप में इस्तेमाल करते हैं, दुकानों में इस्तेमाल करते हैं। सब मीटर सेपरेट बिल चार्ज बिल के लिए इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इसके कनेक्शन वापडा के जो मीटर होता है उससे डिफरेंट होता है, तब्दील होता है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसके कनेक्शन और उसके कनेक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ये मैंने एक बोर्ड लिया है और इसके दो वायर निकाल लिए हैं। इसको हम सब मीटर में लगाएंगे और ये एक्सटेंशन लीड है। इसको हम वापडा की वायर के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी मेन टावर से आएगी। चलें तो हम शुरू कर लेते हैं कि इसका देखते हैं कनेक्शन कैसे करने हैं। ये हमारा वापडा के जो करंट है इसका कनेक्शन हो गया है। अभी हम ये जो घर में या दुकान के लिए बोर्ड होगा, जो दुकान का बोर्ड होगा, उसके कनेक्शन हम इसके दूसरे जो बचे हुए पॉइंट होंगे उनमें लगा देंगे। बस ये एक साइड पे फेज दे देंगे, एक साइड पे न्यूट्रल दे देंगे, और जो घर का बोर्ड होगा उसके जो न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे और फेस के साथ फेस का कनेक्शन कर देंगे। अभी ये बोर्ड का मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। इसमें ये जो पॉइंट बचा हुआ था इसमें हम लगा देंगे इसको। और जो दूसरी वायर है उसको दूसरे पॉइंट में लगा दें। जी तो दोस्तों, हमारा ये कनेक्शन मुकम्मल हो गया है। ये जो मैंने तार लगाई है और इसके साथ प्लग लगाया, ये वापडा में लगाएंगे। ये वापडा की वायर है और जो ये दो तारे हैं ये हमारे दुकान या बोर्ड की तारे हैं, बोर्ड की वायर है। इसको हम ऐसे कनेक्शन करने हैं। ये देख लें, वापडा की एक साइड पे लगाएंगे और दूसरे इस साइड पे लगाएंगे, और जो आउटपुट होगी, जो हमारे बोर्ड की तारें लगेंगी, वो एक साइड पे और दूसरी दूसरी साइड पे लगेगी। ये हम इसके सब मीटर के कनेक्शन है। अभी मैं आपको इसको चला के चेक करवा के दिखाता हूँ। ये हमारे कनेक्शन है। इसमें एक वापडा की तार इस तरफ लगी है और दूसरी इस तरफ, और जो हमारी आउटपुट की तार है, आउटपुट की वायर है, जो वो इस तरफ है और इस तरफ है। अभी हम इसको चेक करते हैं। इसको मैं लगा लूँगा इसमें। अभी मैं इसको एक्सटेंशन लीड में लगा लूँगा। ये देखें, अभी मैं इसको होल्डर को इसमें लगा ले चेक कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं।
देखें जी, ये हमारा 100 मीटर काम कर रहा है। ये जी आयरन है, स्प्रिंग को हम इसमें चेक कर लेते हैं इस बोर्ड में लगा के कि ये काम कर रहा है कि नहीं। इसका प्लग मैं बोर्ड में लगा दूंगा यहाँ पे, और ये देखें काम कर रहा है कि नहीं। ये देखें काम कर रहा है 100 मीटर। अभी वो देखें, आप लाइट को भी देख रहे होंगे कि जैसे ही ये किया है और ये लाइट काम कर रही है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कनेक्शन की आपको समझ आ गई होगी कि सब डिजिटल सिंगल फेस मीटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। अगर कोई भी सवाल आपने पूछना हो, कोई बात की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।